नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभम सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों पर। देश में कोरोना से 33,531 लोग संक्रमित, 1,093 लोगों की मौत, 8,547 लोग ठीक हुए। बॉलीवुड को लगा एक और झटका, दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का हुआ निधन, देश में शोक की लहर। बाईस घंटे के अंदर कैंसर ने निगल लिए बॉलीवुड के दो महान सितारों को, अलविदा ऋषि और इरफान। ऋषि कपूर के अंतिम संस्कार में शामिल हुए सिर्फ 25 लोग, 25 लोगों की लिस्ट में 20 लोग परिवार के थे और बाकी 5 रिश्तेदार। लॉकडाउन में हुई अजब गजब शादी, 90 किलोमीटर साइकिल पर सवार होकर आया दूल्हा, साइकिल पर ही हुई दुल्हन की विदाई। WHO ने आज बुलाई आपात बैठक, दुनिया भर में कोरोना के हालत पर हुई चर्चा। लॉकडाउन में सब्जी लेने निकला लड़का, शादी कर दुल्हन के साथ लौटा घर, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का मामला। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 61,000 के पार, 24 घंटे में 2300 से ज्यादा लोगों की मौत, अब तक 10.5 लाख से ज्यादा संक्रमित। चाइनीज ऐप टिकटॉक दुनिया भर में 2 अरब से ज्यादा बार हुआ डाउनलोड, भारत में सबसे ज्यादा। ऋषि कपूर को आमिर खान ने बताया गजब का अभिनेता, कहा हमने एक महान शख्स खो दिया।